हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एसएससी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न जो है खान सर के लाइव क्लासेस और उनके सीट्स के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को करेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम, चाहे रेलवे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, चाहे एसएससी के एमटीएस, सीजीएल या सीएचएसएल के लिए दृष्टिकोण से सभी प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, देखिए एक पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, ये क्वेश्चन है। ओके, याद रखिएगा, एक पिकोग्राम जो होता है ये बराबर होता है 10^-12, ठीक है। कितने के बराबर होता है, 10^-12 ग्राम के, ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं 1/10^12 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक माइक्रोन बराबर है, देखिए एक माइक्रोन जो होता है ये कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। ओके, एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर, तो याद रखिएगा ये होता है एक मिलीमीटर का 1000वां भाग एक माइक्रोन कहलाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको सही याद रखिएगा। माइक्रोन जो है आजकल यूज होता है प्लास्टिक को मापने के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है ट्रेंडिंग में रहता है, एक माइक्रोन जो बराबर होता है 1/1000 mm के बराबर होता है, ठीक है, या फिर इसको यह भी कह सकते हैं 10^-3 mm। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए एक किलोमीटर दूरी का क्या मतलब है, देखिए एक किलोमीटर जो दूरी होता है यह बराबर होता है 1000 मीटर के, कितने के, 1000 मीटर के। अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो याद रखिएगा 1000 को गुना कर देंगे हम लोग 100 से, इतना सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक नैनोमीटर बराबर है, देखिए एक नैनोमीटर जो होता है ये बराबर होता है, इसके देखिए एक नैनोमीटर की बात हो रही है, जो कि हम लोग मीटर में डिस्क्राइब करें अगर, तो ये होता है 10^-9 मीटर। ओके, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये प्रश्न जो है एग्जाम में एक बार पूछा गया है, एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई याद रखिएगा, लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी मीटर, क्या होती है, फर्मी मीटर, फर्मी मीटर जो है लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, पारसेक, पारसेक किसकी इकाई होती है, देखिए पारसेक जो होती है ये इकाई होती है दूरी की, किसकी होती है, दूरी की, ये यूनिट है डिस्टेंस का, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नापने के लिए हम पारसेक का यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष का याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो होता है ये इकाई होती है दूरी की, ठीक है। ये सूर्य के प्रकाश का जो स्पीड होता है उससे नापा जाता है दूरी को, तब कहते हैं प्रकाश वर्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, देखिए फर्मी के बारे में बात हो रही, ठीक है, तो फर्मी के बारे में बात हो रही, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, तो ये व्यक्त करती है लंबाई को, ठीक है, बहुत ही छोटी लंबाई को मापने के लिए हम फर्मी मीटर का यूज करते हैं। अभी बताया आपको, फर्मी को मापने, फर्मी जो है मीटर की सबसे छोटी इकाई है, और बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं फर्मी मीटर का। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष होता है, देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष वो होता है, इसे कह सकते हैं कि जो लाइट होता है सूर्य का, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो एक साल में जितनी दूरी तय करेगा, कितनी, एक साल में, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष, क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, देखिए भूकंप की जो तीव्रता है ये मापते हैं हम लोग रिक्टर पैमाने पर, किस में मापते हैं, रिक्टर, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, कौन सी राशि रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, देखिए रिक्टर स्केल पर जो नापते हैं वो नापते हैं हम लोग भूकंप की तीव्रता को, किसको मापते हैं,
भूकंप को नापा जाता है रिक्टर स्केल पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है। देखिए बात हो रही है यांत्रिक ऊर्जा की, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई जो होती है, याद रखिए ऊर्जा की ही एसआई इकाई जूल होती है, चाहे वो यांत्रिक हो चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जूल जो है जैसे ऊर्जा से संबंधित है, जूल का जो है ऊर्जा का मात्रक, वैसे पास्कल किसका मात्रक होता है, तो पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। ठीक है, दाब या दबाव जो कहिए। अगला सवाल है प्रकाश की गति क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड का जो लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10^11 मीटर पर सेकेंड। ओके ये होता है इसका स्पीड लाइट का। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है चंद्रमा से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसके भार और द्रव्यमान में क्या फ़र्क आएगा। देखिए जब चंद्रमा से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाएंगे तो उसके भार में, ठीक है, भार में बदलाव आएगा। क्या आएगा, भार जो है वो बदल जाएगा, भार बदल जाएगा और द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात करिए द्रव्यमान जो है स्थिर रहेगा। द्रव्यमान जो है किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो हमेशा सब जगह कांस्टेंट होता है। भार जो है ग्रेविटी पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए दोनों की ग्रेविटी, चंद्रमा और पृथ्वी ग्रेविटी में अंतर होता है, इसलिए भार में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, जबकि द्रव्यमान जो है वो स्थिर हो जाएगा, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है तेल का एक बैरल कितने लीटर का होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, तेल का एक बैरल जो है कितने लीटर का होता है। तो याद रखिएगा तेल का एक बैरल लीटर होता है 159 लीटर। कितना, 159 लीटर, 159 लीटर का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कार्य का मात्रक है। देखिए कार्य का जो मात्रक होता है ये होता है जूल, ठीक है, जो कि ऊर्जा का भी मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है रिक्टर पैमाने का प्रयोग होता है। तो देखिए रिक्टर पैमाना जो होता है इसका प्रयोग होता है भूकंप के लहरों को नापने के लिए, भूकंप को नापने के लिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है। ठीक है, डेसिबल जो होता है इससे नापते हैं हम लोग ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता। क्या मापते हैं हम लोग, ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ये मापने के लिए हम लोग करते हैं डेसिबल का यूज। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ये किसकी इकाई होती है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है ये ऊर्जा की इकाई होती है, किसकी इकाई है, सॉरी ऊर्जा की इकाई होती है। ओके ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है माप की कौन सी इकाई को 0.3 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। देखिए तो याद रखिएगा 0.39 से गुना करने पर एक इंच मिलेगा, तो ये होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जब हम लोग सेमी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जब हम लोग 0.39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इंच प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दे रखा, तो 2 × 0.39 कर देंगे तो हम लोग को इंच मिलेगा। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है डॉब्सन, डॉब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए डॉब्सन जो है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, सॉरी एक मिनट, माफ करिएगा, डॉब्सन जो है इसका उपयोग किया जाता है शोर मापने में। किसको मापने में किया जाता है, शोर मापने में किया जाता है डॉब्सन यूनिट का यूज। ओके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है टैंकिया, टैंकिया से क्या तात्पर्य है। देखिए टैंकिया जो है ये होता है, टैंकिया कहा जाता है इसको, ऐसा भी कहा जाता है टैकियान। ठीक है टैकियान, ओके टैकियान कहा जाता है, टैकियान किसको कहा जाता है, टैकियान से क्या तात्पर्य। तो टैकियान जो होता है प्रकाश की गति से, क्या, जब कोई कण प्रकाश की गति से तेज चलेगा, प्रकाश की गति से तीव्र गति से कर चलने वाला कण कहा जाता है, तीव्र गति से।
जब किसी कण की गति प्रकाश की गति से तेज हो जाएगी तो उसे कहते हैं टेकियान। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यूनिक टाइप का प्रश्न है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो, देखिए मेगावाट में किसको नापते हैं, मेगावाट में बिजली को नापते हैं, पर कब मापते हैं, जब उसका उत्पादन होता है, कब मापते हैं, जब उत्पादन किया जाता है। ओके, दो तीन ऑप्शन रहेगा तो कन्फ्यूज नहीं होना, जब उत्पादन होता है तो उसमें मापते हैं मेगावाट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, देखिए क्यूसेक जो होता है ये होता है जल का बहाव मापने का यूनिट, जल का बहाव, ठीक है, जल का बहाव मापने के लिए हम यूज करते हैं क्यूसेक का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1 kg/cm² दाब समतुल्य है, देखिए 1 kg/cm² जो होता है, दाब जो होता है ये बराबर होता है एक बार के, कितने के, एक बार, बार जो है दाब का ही यूनिट है, 1 kg/cm² जो है एक बार के बराबर होता है, ध्यान देना है यहाँ पे, याद रखना है इसको, एक बार के बराबर कितना होता है 1 kg/cm², यानी कि अगर 1 cm² में 1 kg दाब पड़ रहा तो उसको कहेंगे एक बार के बराबर दाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई होती है, तो याद रखिएगा ये दाब की इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एम्पियर, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो याद रखिएगा एम्पियर जो है ये विद्युत धारा मापने के लिए होता है, किसका, इसका यूज होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत धारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, देखिए एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो होता है, जो कि परिस्थितिक दबाव होता है, इसको मापा जाता है बार में। ओके, इसको किस मापते हैं, बार में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड, हम लोगों ने आपके लिए लगभग 30 प्रश्न को सॉल्व किया है, ठीक है, 30 प्रश्न आपको बताए हैं जो कि मापन चैप्टर से थे, ठीक है, मापन चैप्टर से थे, और ये प्रश्न जो है खान सर के जो भी लाइव क्लासेस होते हैं, जो भी लाइव क्लासेस होते हैं और जो भी उनको सीट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, उनसे लिए गए हैं, और सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अगले क्लासेस से एसके झा सर के भी जो भी सीट से इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है उनको भी आपके लिए कलेक्ट करूँ, ताकि आपके लिए रिवीजन करना आसानी हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।